अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नकीबुल्ला, आप लोगों के साथ नकीब जान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चैनल से। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पेनियर के बारे में कि हम पाकिस्तान में पेनियर का अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो आए चले स्टार्ट करते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए। तो सिंपली आपने अपना ब्राउज़र ओपन करना है, आपका जो भी ब्राउज़र हो, क्रोम हो, जो भी वगैरह, वो आपने सिंपली ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने टाइप करना है पेनियर। उसके बाद आपने सिंपली ये जो फर्स्ट वाला आपको नजर आ रहा है pioneer.com साइन अप एंड ग्रो योर बिजनेस, इस पे आप लोगों ने क्या करना है, क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है साइन अप एंड अर्न $25। इस पे आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली क्लिक कर लेना है। तो इस तरह आपने जैसे ही वहां पे क्लिक कर लिया, ये अभी हमारे पास यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आएगा, लेट्स फाइंड द राइट अकाउंट फॉर यू नीड्स। आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप सिलेक्ट करते हैं, ऑनलाइन सेलर है उसके लिए, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह, यहाँ पे आपको डिफरेंट चीजें मिलेंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास आई एम लुकिंग टू, कि मतलब मैं किस तरह का अकाउंट बनाना चाहता हूँ, किस चीज के लिए। तो हमें क्लिक करना है क्या है, गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट्स और मार्केट प्लेस। ठीक है, जैसे कि आजकल हमारे पास एक वेबसाइट चल रहा है स्टडी पूल, उससे अगर हमें पेमेंट हासिल करना है तो हम लोग इस पे पेमेंट हासिल कर सकते हैं। तो हम उसके लिए भी इंटरनेशनल पेमेंट यूज कर सकते हैं। एंड सेंड, तो दूसरा हमारे पास क्या है, सेंड एंड रिसीव मनी बिटवीन फ्रेंड्स एंड फैमिली। ये सिंपली फ्रेंड एंड फैमिली के लिए, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए तो हमें सिंपली क्या करना है, इस पे इंटरनेशनल पेमेंट वाले पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आपने वहां पे क्लिक कर लिया तो यहाँ पे आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे इसकी चीजें हैं आप वो पढ़ सकते हैं। आपने यहाँ पे सिंपली क्या करना है, रजिस्टर कर लेना। ये लोड होगा थोड़ा, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे। अभी आपके पास अगर आपकी कोई कंपनी, आप कंपनी के लिहाज से भी अकाउंट बना सकते हो, उस तरह की इन्फॉर्मेशन आपसे लेगा। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें सिंपली इंडिविजुअल अकाउंट बनाना है, तो हम लोग सिंपली इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे अपने अपना पूरा फर्स्ट नेम देना है, ठीक है, फर्स्ट नेम, ठीक है। मैं अपने फर्स्ट नेम वगैरह लिख लेता हूँ, उसके बाद वीडियो स्टार्ट। मैंने ये फिल कर लिया है, आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, पहले अपना फर्स्ट नेम लिखना है, फिर लास्ट नेम लिखना है, उसके बाद ईमेल एड्रेस, उसके बाद दोबारा ईमेल एड्रेस वापस वही लिखना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एंड फिर नेक्स्ट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे आपसे पूछेगा कि आप किस कंट्री से है। आप जिस भी कंट्री से है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका जो स्ट्रीट एंड नंबर, जो आपका एरिया है वो आपने सिलेक्ट करना है, उसका नंबर देना है। फिर मोर एड्रेस वो ऑप्शनल है, आप देना चाहे ना देना चाहे वो आपकी मर्जी है। फिर सिटी एंड टाउन, उसके बाद पोस्टल जिप कोड जो भी पाकिस्तान का है, जिस एरिया में आप रहते हैं। और उसके बाद अगर पाकिस्तान का, अगर आप पाकिस्तान में अकाउंट बना रहे हो तो 92 पाकिस्तान का कोड है, वो आपने अपना नंबर देना है। उसके बाद आपने वेरिफिकेशन कोड आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आपने इंटर कर लेना है। तो ये भी मैं फिल कर लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं आगे। अच्छा व्यूअर्स, मैंने ये फिल कर लिया है, तो यहाँ पे आपने अपने सारे डिटेल्स फिल करने हैं, उसके बाद सेंड पे इस पे क्लिक करना है, आपके पास कोड आ जाएगा। ठीक है, वो कोड आपके मोबाइल पे आ जाएगा, वो आपने यहाँ पे क्या करना है, लिख लेना है। तो सिंपली हमारे पास कोड आ चुका है, वो हम टाइप करेंगे 1010645। उसके बाद आपने क्या करना है, कर लेना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, आपने क्या करना है, पासवर्ड इंटर करना है। उसके बाद आपने री पासवर्ड इंटर करना है, सिक्योरिटी क्वेश्चन रखना है। ठीक है,
उसका आंसर रख लेना है। उसके बाद आपने अपना नेशनल आईडी, जिस हुकूमत की तरफ से आपको इशू होता है वो आपने यहाँ पे उसका नंबर लिख लेना है। फिर लोकल, यहाँ पे आप कोशिश करोगे लेकिन जैसे ही आप इंग्लिश में लिखोगे यहाँ पे नहीं आएगा, तो इसमें आप कोशिश करें उर्दू में अपना नाम यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ पे जो आपसे पूछ रहा है फर्स्ट नेम इन योर लोकल लैंग्वेज, आपने यहाँ पे उर्दू में लिख लेना है, फिर उसके बाद लास्ट नेम भी उर्दू में लिख लेना है। उसके बाद तो इसके लिए आपका कंप्यूटर वो उर्दू नहीं लिखता, तो इसके लिए आपने उर्दू पाक इंस्टॉलर डाउनलोड करना पड़ता है। पाक इंस्टॉलर आप डाउनलोड करेंगे उसके बाद आप लोग यहाँ पे उर्दू में लिख सकते हैं अपने ही इंग्लिश कीबोर्ड से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये जो कैप्चर दिया हुआ है इसको आपने, इसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसी को आपने क्या करना है यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। मैं ये फिल करके आपको आगे बताता हूँ। ये मैंने फिल कर लिया है, ठीक है, आप लोग देख लें। इस तरह आपने फिल कर लेना है, उसके बाद आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, नेक्स्ट कर लेना है, ठीक है। मैं हम लोगों ने दोबारा ये पिन इंटर करते हैं जो कैप्चर है, ये शायद गलत हो गया, ठीक है। ये आपने जैसे ही इंटर किया नेक्स्ट कर लेना है। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे इसको कैप्चर को अच्छे तरीके से देखकर उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट कर लेना है। ये देख ले यहाँ पे हमारे पासवर्ड का इश्यू आ रहा है, तो हम लोग पासवर्ड चेंज कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा ट्राई करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने पासवर्ड सही कर लिया, अभी हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद ये आप लोगों के पास लास्ट वाला स्टेप आ रहा है। यहाँ पे आप अपने बैंक की डिटेल दे सकते हैं ताकि आपको आपके पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में मिल जाए, ठीक है। तो इस तरह आप इसको अपने बैंक अकाउंट का भी एड्रेस दे सकते हैं। यहाँ पे ये वाला जो स्टेप है ये हमारे पास बैंक अकाउंट के लिए है। आपका अगर बैंक अकाउंट है तो आप सिंपली यहाँ पे इसको अटैच कर सकते हैं, ठीक है। अपना बैंक अकाउंट की डिटेल्स वगैरह, आपका जान का भी बैंक अकाउंट है, लाइक हम लोग पाकिस्तान में बना रहे हैं तो हमारे पास पाकिस्तान पे पीआर की उसकी करेंसी है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास बैंक यहाँ पे जो भी बैंक है, यूबीएल है, यूनाइटेड बैंक है, जैसे कि मेरा यूनाइटेड बैंक में है तो हम लोग यूनाइटेड बैंक लिमिटेड सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपका जो आईबी एड्रेस वगैरह है वो आप लोगों ने यहाँ पे डाल लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे एग्री टू दिस टर्म, फिर इस पे भी एग्री कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली यहाँ से नेक्स्ट कर लेना है, तो इस तरह से आपका अकाउंट बन जाएगा। क्योंकि मैं अभी सबमिट नहीं करूंगा क्योंकि मेरा अकाउंट पहले ही ऑलरेडी बन चुका है, तो हम लोग सिंपली वहां से जाके इसको लॉग इन कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका अकाउंट सिंपली इस तरह लॉग इन हो जाएगा। ये अभी हमारे पास मेरा अकाउंट ये है, यहाँ पे मैंने बनाया तो ये खुल जाएगा, इस तरह आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग कुछ भी समझना है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये कैसे होगा। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।